नमस्कार। सावित्री की रसोई में बनेगा आज दलिया। तो ये दलिया लिया है मैंने, इसको हम पहले कैसे भूने और इसे फिर हम बनाने का तरीका कैसा है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सभी बनाते हैं अपने घर में, सबका अपना अलग-अलग तरीका होता है। तो जैसे मेरे यहाँ बनता है मैं वैसे ही आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये दलिया है, देखिए हम दलिये को भूनेंगे। भूना भी जाता है कई तरीके से। जिस तरीके से मैं भूनूंगी वो दलिया आप इसे 4 से 5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम दलिये को कैसे भूनते हैं। मैंने 500 ग्राम दलिया लिया है, गैस जला दी है और इस पर हमने रख दी है कढ़ाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट दलिया डाल देंगे। आप दो बार में चाहें तो आप दो बार में भून सकते हैं, एक बार में चाहें तो आप एक बार में भून सकते हैं। हमने इसमें घी नहीं डाला है। घी डालने से जब हम दलिया स्टोर करते हैं, घी डालने से उसमें घी की महक आने लगती है। तो हम बिना घी का ही ड्राई रोस्ट करेंगे। और जब हम ड्राई रोस्ट ऐसे करेंगे तो आप इसका मीठा भी बना सकते हैं और नमकीन भी बना सकते हैं किसी भी तरह का। अब इसे हम स्लो आँच में, अभी तो मैंने हाई रखी है क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म नहीं हुई है, 1 से 2 मिनट हाई रखेंगे। उसके बाद मीडियम स्लो रखेंगे, फिर हम इसको भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। देखिए दलिये के कलर चेंज हो गया है और नीचे से ये दिखने भी लगा है, भुनने लगा, खुशबू अच्छी आ रही है इसमें, सौंधी सौंधी। इसे हम 2 से 3 मिनट और भून लेंगे स्लो आंच में। अब हम स्लो आंच करेंगे इसकी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और दलिया भुन भी गया है। मैंने कढ़ाई चेंज कर ली, वो छोटी थी कढ़ाई, इसलिए मैंने ये बड़ी कढ़ाई ली है। खुशबू बढ़िया सौंधी सौंधी आ रही है। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हमने ये तसला लिया है, परात ली है, तो हम इसमें ये दलिया डाल देंगे। हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इसे आप कांच के जार में स्टोर करके रख लें, लेकिन आपको प्रॉपरली पहले ठंडा करना होगा। इससे हम नमकीन भी दलिया बना सकते हैं, मीठा या दलिया की खीर। तो हम इसका किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका आज बताऊंगी। हमने सेम कढ़ाई ली है और उसमें हम डाल देंगे 500 ग्राम पानी। अब इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। पानी गर्म हो गया है और उबलने लगा है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, या आप यूँ कह लें कि स्वाद के अनुसार नमक। हम नमकीन दलिया बना रहे हैं तो हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब इतने पानी के लिए हमने 1 कटोरी या कप आप माप कर लें, ये 200 ग्राम दलिया है, तो इसको हम डाल देंगे। अब इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये अच्छे से उबल नहीं जाता। जब तक हम इसको बराबर हमें चलाना है, यदि हम छोड़ देंगे तो दलिया नीचे बैठ जाएगा। और आँच को हम रखेंगे मीडियम टू स्लो और बराबर चलाते रहे, 2 से 3 मिनट हमें इसे बस चलाना है। देखिए बढ़िया से उबल रहा है, अब ये नीचे नहीं बैठेगा। हम जब दलिया बनाते हैं तो उसमें जितना दलिया लेंगे उसका डबल पानी तो होना ही चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्योंकि दलिया में पानी ज़्यादा लगता है। तो अब इसे हम 3 से 4 मिनट इसी तरह से उबलने के लिए छोड़ देंगे। दलिया ठंडा हो गया, मैंने ठंडा करने के लिए तसला या परात उसमें इसे ट्रांसफर किया था। अब हम भर लेंगे कांच के जार में, लीजिए एयर टाइट जार में। तो ये दलिया हमारा खराब नहीं होगा, हम इसे 4 से 5 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए दलिया इस टाइम में गाढ़ा हो गया, जबकि इसका मैंने डबल पानी डाला था, फिर भी ये गाढ़ा हो गया है। तो आपको पानी डालना है इसमें, इसी टाइम डालना है, वो भी गर्म, ठंडा पानी नहीं डालना, हमें गर्म पानी डालना है। तो लीजिए हमने गर्म पानी डाल दिया है, बस अब इसमें हमें 2 मिनट और उबालना है अच्छे से। दलिया हमारे बन के देखिए रेडी हो गया है। आपको यदि गाढ़ा पसंद हो तो आप गाढ़ा भी कर सकते हैं, पानी कम डालें या ना डालें, लेकिन मैंने पानी इसलिए डाला है कि जब हम इसे ठंडा करके खाएंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसमें पानी डाल दिया है। दलिया बन के रेडी हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप इसे कैसे खा सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँ। दलिया लेंगे इस बाउल में,
ये दलिया लिया है हमने, इसे हल्का गुनगुना आप खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। नमक इसमें मैंने पहले से डाला है, यदि आपको कम लगे तो आप नमक इसमें और डाल सकते हैं, और ये घी के साथ, तो घी के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसमें दूध डाल दें, जैसे भी आपका मन हो। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट आप ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।